हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं न्यू ओवल्टे के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि फाइनली असम राइफल की तरफ से भर्ती रैली आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए असम राइफल की नई भर्ती की कंप्लीट अपडेट लेकर आए हैं। तो दोस्तों, फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। गाइज, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो वीडियो को आज तक जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि काफी सारे कैंडिडेट जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां आपको नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो में हमारे पास में कुछ कमेंट आए थे जिसमें काफी सारे कैंडिडेट जो है गलतियां कर रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई करते समय, वो गलती आपको नहीं करनी है वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है या फिर आपने अप्लाई कर भी दिया है तो आपको कैसे करेक्शन करना है, कैसे आपको अच्छे से अप्लाई करना है, कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है बड़ी भर्ती है, महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, यानी कि मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं और केवल 10वीं क्लास पास से लेकर के 12वीं क्लास पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो काफी खास होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आप सभी से शिकायत रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी इस नई वैकेंसी की जानकारी हो, वो भी जानकारी ले और अप्लाई करे। दोस्तों, रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं असम राइफल रैली भर्ती 2022 के बारे में, जिसका लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, यहां पर जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10वीं या 12वीं पास है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। क्वालिफिकेशन 10वीं या 12वीं पास है, ठीक है। वहीं टोटल वैकेंसी जो है 1380 है, ठीक है। तो यहां पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की ये जॉब है, इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं, सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं जहां पर हम आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है tipsworldbus.xyz। यहां पर आप जाकर के असम राइफल की इस भर्ती रैली की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। वहीं सेकंड नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in। यहां पर भी आपको डेली बेसिस पे नई वैकेंसी की अपडेट दी जाती है, तो आज ही जानकारी लें और अप्लाई करें। आप चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असम राइफल की नई भर्ती रैली के बारे में। तो दोस्तों, असम राइफल की तरफ से जो भर्ती निकाली जा रही है, ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन के पद पे नोटिफिकेशन है और यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स में कौन कौन सी पोस्ट यहां पर जारी की गई है। यहां पर जो वैकेंसी है, हवलदार की वैकेंसी है, वनंत ऑफिसर की वैकेंसी है, राइफल मैन की है, नायब सूबेदार की है, क्लर्क की वैकेंसी है। इन वैकेंसी के लिए मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारी जॉब्स है, पूरी लिस्ट आप हमारी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं टोटल वैकेंसी की ओर, तो 380 पोस्ट यहां पर जारी की गई है, बड़ी भर्ती है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। अप्लाई केवल आपको गाइज ऑनलाइन करना होगा, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 5 स्टेप्स यहां पर होने वाले हैं। सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई, छाती का नाप, आपका वेट नापा जाएगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपकी कुछ दौड़ होगी। रिटन टेस्ट आपका होगा, लिखित परीक्षा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। सैलरी आपको इस पर रूल्स मिलेगी, सैलरी आपको काफी शानदार मिलेगी देखने को यहाँ पर। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम जो है 23 साल है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं गाइज, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है ग्रुप वाइज है, ग्रुप बी के लिए 200 रुपए है, ग्रुप सी के लिए 100 रुपए है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं 10वीं क्लास पास से लेकर के 12वीं क्लास और डिग्री पास सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है 6 जून से 20 जुलाई तक चलेंगे। तो आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं 6 जून से 20 जुलाई से पहले आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट जो है 20 जुलाई है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का, आपको बताते हैं अप्लाई कैसे करना है। यहां पर आपको क्लिक करना है, आप सीधा ऑनलाइन फोरम पे आ जाएंगे। तो जैसा कि गाइस आप यहां पर देख सकते हैं, ये ऑनलाइन फोरम है।
यहां पर आप देख सकते हैं असम राइफल की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसके ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। अप्लाई करने से पहले आप यहां पर जो इंपोर्टेंट टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा ताकि अप्लाई करते समय आपको कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, यहां पर आपको बताया जा रहा है कुछ कुछ बातों के बारे में, जैसा कि आप यहां पर पढ़ सकते हैं। आप अप्लाई करने से पहले जो भी जानकारी आप भर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पर कोई भी इस पे कोई भी गारंटी नहीं लेता है कि आपका फॉर्म अगर आपने भरा है तो वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है, वहीं दोस्तों अप्लाई करने से पहले अगर आप 10वीं के बेसिस पे या 12वीं के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट जरूर साथ में रखिएगा। काफी सारे कैंडिडेट से गलतियां कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि आपको अप्लाई करते समय 10वीं की मार्कशीट रखनी है और उसमें जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपके पिताजी का और माताजी का नाम है, वही नाम आपको यहां पर मेंशन करना है जो 10वीं की मार्कशीट में है। अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट भी नहीं हुआ, एक्सेप्ट भी हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो। ठीक है, वहीं आपकी जो भी जानकारी है जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, जेंडर क्या है, सारी जानकारी आपको देनी है। क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। सभी जानकारी अच्छे से देने के बाद में फॉर्म को फिलअप करना होगा, सबमिट करना होगा। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी पोस्ट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मेल या फीमेल है, उसके बाद आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका स्टेट से वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए आप नायब सूबेदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर क्या है, सारी जानकारी आप फिलअप करने के बाद में आपको एग्री करना होगा। ठीक है, ओके करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार एक और नया फॉर्म आएगा जिसमें आपसे पूरी जानकारी आपसे मांगी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूरी जानकारी मांगी जा रही है, जैसा कि आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रिलीजन क्या है आपका, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आप कौन से स्टेट से हैं, कौन सी कम्युनिटी आपकी लगती है, वो सारी जानकारी आपको यहां पर देनी होगी। उसके बाद में आपको नीचे आना है, आपका पूरा एड्रेस यहां पर देना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड डालना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपकी कास्ट यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करनी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहां पर देनी होगी। ठीक है, यहां पर क्वालिफिकेशन में आपकी 10वीं पास, 12वीं पास, जो भी है वो आप दे दीजिएगा। उसके बाद में नीचे आकर के आपको पूरी जानकारी अच्छे से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, और आपका जो फोटोग्राफ है, आपकी 10वीं की मार्कशीट है, आपका जो सर्टिफिकेट है डोमिसाइल का, मूल निवास है, वो आपको अपलोड करना है। तीन चीज जो है, तीन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको फिलअप करनी है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं जो बताए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। सब कुछ करने के बाद में कैप्चा कोड डालना है, सबमिट कर देना है सिंपली आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों यहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी दे रखी है असम राइफल की भर्ती को लेकर के। यहां पर साफ साफ बताया गया है कि इस वैकेंसी के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर साफ साफ बताया गया मेल और ये रहा फीमेल। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, इंडियन सिटीजन से आवेदन मांगे जा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। ठीक है, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहां पर दे रखा है, इंस्ट्रक्शन पूरे दे रखे हैं कैसे आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। वहीं दोस्तों आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, आपकी जो लंबाई चौड़ाई है वो किस प्रकार नापी जाएगी, वो सारी जानकारी यहां पर दे रखी है। तो अप्लाई करने से पहले आपको इस नोटिफिकेशन को चेकआउट करना है, और जैसे ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो उससे पहले भी आपको नोटिफिकेशन को चेक करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार कर लेना है ताकि आपका रिजेक्शन कम हो। ठीक है, हो ही ना हो। ठीक है, और आपको सैलरी कितनी मिलेगी, पे स्केल कितना मिलेगा, वो भी जानकारी यहां पर मेंशन कर रखी है। पोस्ट वाइज यहां पर क्वालिफिकेशन क्या होगी, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है, सारी जानकारी के लिए गाइस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके अपने सिटी का और अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि आपके सिटी के आसपास की वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।